Good morning, good afternoon, good evening. This is Kevin Lopez, back from Personal Tutor. Standard 12th English book, Flamingo, ka ek kafi famous chapter hai, Poets and Pancakes. Chapter number 6, to be very precise. Is chapter mein, ek bahut hi famous Indian studio, that is the Gemini Studio, ke baare mein author डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से यू नो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियोज इन इंडिया उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ की दिनचर्या होती थी कितने यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स वहाँ पे हुआ करते थे और कौन कौन से लोग यू नो वहाँ पे आते थे टर्म्स इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग किस तरीके से थी. सो ऑथर का नाम है अशोक अमित्रन. फ्रेंड्स ये चैप्टर इनके द्वारा लिखे गए एक एपिसोड मतलब हम कह सकते हैं एक नॉवेल. द नेम ऑफ द नॉवेल वॉज माई यर्स विद द बॉस का एक एक्सट्रैक्ट है. आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड रीड इट बिकॉज दिस चैप्टर इज रियली फन टू गो अहेड एंड यू नो अंडरस्टैंड द वे ऑथर हैज गॉन अहेड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीबॉडी. जिस तरीके से उन्होंने बताया है that is so realistic that you may not stop laughing about it. Let's see. बताते हैं कि अशोक अमित्रन ने जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक्स के बारे में बताया. अब पैनकेक्स से हमें क्या समझ में आता है, खुशबू भूख पड़ती है. But here, pancakes was his epilogy given to the makeup kit, जो कि वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस को लिटरली थोपा जाता था से बोलने का मतलब है सच में दे वर लाइक पाइल्ड अप विथ हैवी मेकअप. और ये पैनकेक वो मेकअप था जो जेमिनी स्टूडियो ऑर्डर करता था. उस ब्रांड का नाम था पैनकेक, ऑर्डर करता था जेमिनी स्टूडियो ट्रक लोड भर के, क्योंकि खूब सारे लोगों को मेकअप लगाना है, मेकअप करना है. तो एक तरीके से एक मिसाल दी गई है. अब यहाँ पे एक प्लाइट भी बताई है कि ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं इन बेचारों की घंटों बिना फैन, उस समय एयर कंडीशन वगैरह का ज़माना था नहीं, बिना फैन मेकअप लगा के गर्मी में कॉस्ट्यूम पहन के बैठना और उनके चेहरे पे फ्लड लाइट्स चमक रही है, क्या हीट होती होगी, और ऊपर से मेकअप लगा देते हैं, इससे वो बेचारे और अगली क्रिएचर्स दिखने लगते हैं. सो व्हाट ही सेज इज दैट आफ्टर अप्लाइंग द मेकअप द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टर्न इनटू अगली क्रिएचर्स, उसके बाद कुछ अजीब से दिखने लगते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में भी बताते हैं जो ऑफिस बॉय था इनके यहाँ का, उसके बारे में बताते हैं. मेकअप डिपार्टमेंट में जो ऑफिस बॉय था वो बेसिकली था तो एक पोएट, आया था वो बनने के लिए एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट वगैरह कुछ भी बनने के लिए वो आया था यहाँ पे, लेकिन वो बना क्या है, एक ऑफिस बॉय. दिस एक्चुअली शोज अ प्लाइट ऑफ द यू नो द फिल्म इंडस्ट्री माई फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग अपने बहुत सारे एस्पिरेशंस लेकर आते हैं बट दे एंड अप गेटिंग इनटू सर्टेन स्पॉट बॉय, ऑफिस बॉय, क्लैपर एंड ऑल, वो सब चीज़ों में ये लोग आ जाते हैं. सो ही डिपिक्टेड दिस. अब इस ऑफिस बॉय की एक बहुत यू नो फीलिंग थी कि मैं बनने आया हूँ कुछ करने के लिए लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. अब यहाँ पर ये भी बताया है दैट our dear author is actually working in the studio in a department that is a publicity department. Hota ye hai that inki job, inko ek cubicle, chota sa ek cubicle diya gaya hai, wahan pe inki job hai. Inki job kya hai? Collecting newspaper cuttings. अब ऑथर के हिसाब से ये जॉब बड़ी इनसिग्निफिकेंट होती है. जब आप एक बहुत बड़े स्टूडियो में काम कर रहे हो और आपको एक जॉब दे दी गई है, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंसी ऑफ गोइंग अहेड एंड कटिंग न्यूज़पेपर्स. नाउ दिस इज रियली रियली यू नो दिस हर्ट्स. अब ये हुआ है और बार बार इनके पास में वही ऑफिस बॉय आता है. उस ऑफिस बॉय को एक पर्सन जो ऑफिस में है उससे बड़ी किल्लत है, बड़ी कोफ्त सी है. दैट पर्सन इज सुबू. जब देखो तब व्हाट हैपेंस इज कि सुबू ने ये करा, सुबू ने ऐसा करा, सुबू की ये हेडेक है. और जब भी उस ऑफिस बॉय को देखता था ऑथर कि ये आज थोड़ा परेशान है और मेरे पास आ रहा है या ये परेशान में घूम रहा है, उसे समझ में आ जाता था दैट हिज यू नो इसकी तकलीफ और इसकी यू नो इस व्यथा के पीछे ज़रूर सुबू होगा.
अब बार बार सुबू के नाम आ रहे हैं, तो सुबू के बारे में आपको बता देता हूँ। सुबू बेसिकली स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक पर्सन था। अब सुबू वैसे तो पोएट था, वो बंदा टोटली फिल्म मेकिंग के लिए क्राफ्टेड था। ही हैड एब्सोल्यूट यू नो फैसिलिटीज इन हिज माइंड। इवन द डायरेक्टर, यस आई रिकलेक्ट इट्स रिटन इन द चैप्टर, कोई भी प्रॉब्लम होती थी डायरेक्टर सुबू को बोलते थे, सुबू क्या करना है। तो एक तरीके से वो बंदा अपनी हॉस्पिटैलिटी और यू नो आइडियोलॉजी के कारण काफ़ी हैंडी सा हो गया था। दस ही वॉज वेरी क्लोज, जाहिर सी बात है अगर वो डायरेक्टर के क्लोज है, सारे चीज़ों में काम आ रहा है, तो ही वुड बी वेरी यू नो क्लोज टू ऑल एज वेल। तो यहाँ सुबू को कोई सी परेशानी होती, सुबू झट से उसका इलाज निकाल देता। हर प्रॉब्लम का दो मिनट में उसके पास में इलाज हो जाता था। सो दिस वॉज समथिंग दैट मेड हिम अ हैंडी गाय, और वो डायरेक्टर के काफ़ी मुंह लगा भी था एंड बहुत ही पसंद भी करते थे। सो सुबू को ये थोड़ा सा यू नो इतने करीब देख के ऑफिस बॉय को थोड़ी कोफ्त होने लगती थी, क्योंकि ही वॉन्टेड टू बिकम, ही केम टू बिकम अ पोएट, बट मतलब ही वॉज अ पोएट, बट सुबू को पोएट मान के उसकी चीज़ों को काफ़ी अच्छा मान लिया जाता था। सो दिस वॉज समथिंग रॉन्ग दैट वॉज गोइंग अहेड। सुबू बेसिकली स्टोरी डिपार्टमेंट में था, वहाँ पर ये ऑथर बताते हैं कि उनके पास में एक लॉयर जैसा बंदा भी था। अब वो लॉयर की एक स्पेशलिटी बताइए, लॉयर्स कैसे होते हैं, रियलिस्टिक एंड एकदम यू नो टू द पॉइंट प्रिसाइज लोग होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे बताया था कि ये पूरे स्टूडियो में जहाँ एवरीबडी इज़ अ ड्रीमर, हर कोई एक सपना देख रहा है। सुबू के बारे में बता दिया है, ऑफिस बॉय के बारे में बता दिया है, इवन ऑथर हिमसेल्फ। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो लीगल प्रैक्टिशनर था, That person was a very reasonable guy. एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी सपने देख रहे हैं, ये एक अकेला person था जो बिल्कुल to the precise reality, वास्तविकता में रहता था। So this was what was happening with the lawyer. एक बार studio को chance मिलता है एक international group के performance को host करने का, and the group was group का नाम था Moral Rearmament Army. ऐसे नेम्स के भी ग्रुप्स आते थे, और उस वक्त उस ग्रुप को जो ड्रेसिंग जेमिनी स्टूडियो ने पहनाई थी, अगले कई दशकों तक, यस आई एम टॉकिंग अबाउट डेकेड्स, अगले कई दशकों तक वो ड्रेस शायद ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या स्टूडियो में थिएटर में कभी यूज की गई थी। एक और बताते हैं कि ये इनके यहाँ पे किस तरीके की ट्रिक्स यूज की जाती थी। जॉथम वैली काफी फेमस यू नो लोग है, उसमें जिस तरीके से सनसेट सनराइज बताते थे, जेमिनी स्टूडियो में भी सनसेट सनराइज का सेम डिपिक्शन किया जाता था। एक बार तो हद ही हो गई, यहां पे थोड़ा सा हिलेरियस एंड आता है। स्टीफन सैंडर्स नाम का एक इंटरनेशनल मूवी स्टार प्रोबेबली जेमिनी स्टूडियो आता है। अब भाई साहब आते तो हैं, एक तो ऑलरेडी परेशान इंडिया की गर्मी, स्पेशली सदर्न इंडिया की गर्मी, उसके बाद में जब वो अपना स्पीच देना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट ही वुडंट अंडरस्टैंड अ टर्म ऑफ द लोकल लैंग्वेज, उनको उस लोकल लैंग्वेज की एक वर्ड नहीं आती थी, एंड द सेम थिंग गोज ऑन कि लोकल लोगों को उसकी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी। अब कुछ भी करके उन्होंने अपना स्पीच दिया, ख़त्म करा, लोगों ने काफ़ी देर तक सुना, लेकिन तालियां इसलिए ज़रूर बजी थी कि स्पीच ख़त्म हो गया, चलो शुक्र है भगवान का। नाउ ये रीज़न आता है बाद में, कई सालों बाद में ऑथर जब एक मैगजीन के पन्ने पलटते रहते हैं, तब पता चलता है कि वो जो बंदा अपने आया था वो स्टीफन सैंडर्स था, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जिसको शायद इन लोगों ने एक इनसिग्निफिकेंट पर्सन के समान ट्रीट करा था। तो इस चैप्टर में एक तरीके से बताया है दैट एवरीबॉडी इज बिजी, एवरीवन इज लिविंग एज अ कलीग इन द सेम स्टूडियो, बट सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, अपनी अपनी दुनिया में सब खोए हुए हैं और इतने मगन हैं कि कुछ एमिनेंट लोग भी अगर आते तो उन्हें भी नहीं पहचान पाते। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जेमिनी स्टूडियो, नेम्ड एज Poets and Pancakes, written by Ashok Amitran, an extract from the novel My Years with the Boss. आशा करता हूँ अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। I'll be going ahead and replying back to you. Thank you very much. I'll see you again. Take care.